ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर वन है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सूबे की गहलोत सरकार ने युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। गहलोत सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। सरकारी नौकरी की घोषणाओं से जहां युवा वर्ग में खुशी की लहर है, वहीं प्रशासनिक अमला इन घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गया है। गहलोत सरकार ने खोला सरकारी नौकरियों का पिटारा। चिकित्सा विभाग में होंगी 17,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। गृह विभाग में भी भर्तियों को मिली सरकार की मंजूरी। सहकारिता विभाग में 713 पदों पर होगी नियुक्तियां। राजस्थान की गहलोत सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही एक और बड़ी सौगात दी है। युवाओं के दर्द को समझते हुए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने सत्ता संभालते ही विभागीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकालने के आदेश दिए थे। अब प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के इस आदेश को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। पिछले दिनों चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में चिकित्सा मंत्री ने 17,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां करने का आदेश दिया था। वहीं सहकारिता विभाग में भी 713 पदों पर भर्तियों की मंजूरी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी अपने विभाग गृह मंत्रालय में 8,600 कांस्टेबल और 706 एसआई के पदों पर भर्तियां करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद जहां युवाओं में खुशी की लहर है, वहीं उनमें एक आशा भी जगी है कि जननायक की सरकार ने जिस तरह अपने शुरुआती 4 महीने में ही युवाओं की सुध लेना शुरू कर दिया है, उसी तरह यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर वन है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।